साड़ी कोई गल नहीं सुनता, हूं आपू बीमार भी आई, साड़ी कोई गल नहीं सुनता, हूं आपू बीमार भी आई, नहीं तो आई दारू पूरी होंगी ना कोई कारोबार, एक मुड़ा वह भी बीमार हो, दूजा मेरा घरे आला पूरा होता, जवान मुड़ा पूरा होता, कोई कारोबार आंखों में आंसू, घर में पनपती गरीबी और परिवार, परिवार की बात करें तो इस महिला के जो पति थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, एक जवान बेटा इस दुनिया से चला गया और अब एक बेटा जो बचा हुआ है उसकी भी शादी हुई है, उसके भी एक दो बच्चे हैं, पत्नी है, लेकिन वह भी बीमार रहता है, दिहाड़ी वगैरह लगाता है। लेकिन ये महिला देखिए आप, आंसू आंखों से टपक रहे हैं, ये गरीबी बयान कर रहे हैं। जी हाँ, पूरा पानी अंदर आता, पूरे सिज्जी आता, कमरे पूरे सिज्जी आती, ये पता नहीं कोका लटे जाना तूफान आता, जेल्लै पता नहीं इ'यां झूठे लगदे मकाने, पूरे छत टुटा दा, आपूं दियां कंधां बिजलियां, पता नहीं कोका लटे जानियां न। दैनिक शेर समाचार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं अरुण शर्मा। एक महिला कैलाश देवी जिसका नाम है, उधमपुर मुख्यालय से लगभग 12 से 13 किलोमीटर दूर जिब, जी हां जिब क्षेत्र में इस महिला का गांव पड़ता है, इस महिला का घर पड़ता है। लेकिन ये महिला जो है वो अपने जो दुख हैं, जो भाव हैं, वो रोकर व्यक्त कर रही है कि इस महिला का जो घर है, तस्वीरें आप देखें पहले, ये महिला का घर है और ये देखिए जो दीवारें हैं वो भी अब अपनी नहीं रही। जी हाँ, दीवारें भी अब एक दूसरे को छोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। बारिश की बात करें तो जब बारिश होती है तो पानी जो है वो अंदर टपकता है। घर की हालत की बात करें तो अगर कोई ज़्यादा तूफान, बड़ा तूफान आ गया तो शायद छत ही उड़ जाए और दीवारें भी ढह जाएं और एक कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। लेकिन ये महिला आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरों में, ये बेचारी मजबूर है इस घर में रहने के लिए। लेकिन इसने कुछ बातें हमें बताई कि किस तरह से इनके परिवार में जो हादसे हुए हैं, पति चले गए हैं, बेटा जवान चला गया है, अब एक बेटा है वो दिहाड़ी वगैरह लगाता है लेकिन वो भी ज़्यादातर बीमार रहता है, और बेटे के भी बच्चे हैं, परिवार की काफ़ी खस्ता हालत कहेंगे हम इसे। ज़रूरत है कुछ समाज सेविक लोगों की जो मदद के लिए आगे आएँ ऐसी परिवारों के लिए। हमने देखा है कि काफ़ी लोग जो हैं वो आगे आए हैं और मदद भी करते हैं, और बाकी ही इनकी घर की जो हालत है काफ़ी बुरी है। तो आइए सुनाते हैं ये मजबूर बेबस और लाचार जो वृद्ध जो महिला है ये क्या कहती है, क्या बताना चाहती है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये मेरिया पर्चियां, ये मेरे एक्सरे न, मैं बीमार, मिगी साह भी प्रॉब्लम, मैं अपनी दवाई पूरी नहीं होंदी, ना कोई काम काज होंदा, ना कोई फुलके पूरे होंदे, ना किश। के ना गया थोड़ा ना, मेरा क्लास देवी जगह केड़ी है, एड्रेस जिब, अच्छा जिब मेरा। आयुष्मान कार्ड आजकल बने दा कार्ड ना उसे, हां वो है मोदी कार्ड, मोदी कार्ड है तो उथे दवाई नहीं मिलदी है, उइया दवाई आ साल फीटर दा रेन दाखल, हां तब तो दवाई मिलती रही, तो हूँ बाहर की दवाई ली गई थी, मेरे को पैसा कुछ नहीं, मैं कोई कुतू ला पेंशन थी 1000 रुपया भी बंद हो गई, मैं बनी क्या आखने पता नहीं कोके अम्मी नहीं, उन्हें फार्मे पता लग गई, वो दिता बननी, वो बने नहीं गई, मेरी पेंशन भी बंद हुई गई, जना मैं की करूँ, मेरी कोई पता नहीं, सीधे साधे आदमी अस भोले भाले असें किसा पता लगता है नहीं किश, जना मेरी मदद की जा, मकान नहीं रौह्ने असें किन्ने आए होई गए, साढ़ी कोई गल नहीं सुनता, हूं आपू बीमार भी आई, नहीं तो आई दारू पूरी होंगी, ना कोई कारोबार, एक मुड़ा वह भी बीमार हो, दूजा मेरा घरे आला पूरा होता, जवान मुड़ा पूरा होता, कोई कारोबार नहीं है, वो है मेरी दवाई दारू भी मदद की जा, मकाने के बारे से मदद की जा, रौह्ने जगह नहीं, घर का कियां चला गुजारा, घरा गुजारा कुछ बिच्चे बारे ध्याड़ी लाता, नहीं तो लोग कोई कोई तो उठा भेजते आने खाने, कोई लफाका भी लगी जाता, कारोबार है नहीं किसी, मकान किन्ने आए के बड़े हुए बोर्ड दिंदे नहीं, सरपंच पैंच साढ़ी सुनाई कोई नहीं करता, नहीं किश बूढ़े शरीर 60 साल उम्र मेरी,
नीड़ी ना कम बनता ना उठी सकती ना आपू फुलका बनाई खाई सकती तो फुलका थ्होंदा ही नहीं खाना कुत्थुआं थोड़ी नेही रौह्ने दी जगह है ते फुलके कुत्थुआं होने इक मुड़ा ते ओह् बी बेचारा बमार कुतै बिच्चे बारे ध्याड़ी लांदा ओह्दे बच्चे ही फुलके नी पूरे होंदे जनाब मिगी सारी प्राब्लम सारी प्राब्लम दवाई अपनी पूरी नहीं होंदी मुल्क दवाई डाक्टर लिखी दित्ती बाहर दी दवाई लिखी दित्ती दी पैसा नहीं लगता कुदै बी दवाई कुत्थुआं लैनी 100-100 रपेआ ग्राही करनी फ्ही दवाई लैनी बस करनी छोटे छोटे बच्चे न ओह्दे मुड़ा बी बमार ऐ सनैचे पैंचे गी आखेआ मेरा केस हल हा भरे दा हा फार्म भरे दा हा आईलैंड तक मेरे को बोलते हैं पता नहीं तू कोई किसने सनाई दित्ता में फोन करके पुछनी होनी भाई मेरा केस आया कि नहीं आया ओह् आखदे तू कोई कौन ने सनाया मिगी दाड़े मारदी बैठ गई मेरी सुनाई करने आह्ला कोई नहीं है दाड़े कौन मारदा सरपैंच पैंच कौन है सरपैंच दा इधर दे हैं बोल दे उन्हें पूछनी भाई मेरा केस आया नहीं आया ओह् आखदे तू कौन सुनाई गया ना गे सरपैंच पता ना ही नहीं है पता सरपैंच ना नहीं है सही है नहीं किश दिक्खो साढ़ियां मेरियां साढ़ियां कंधां छिंडा छड्डी दियां ढोने आह्ला होई गेदा बिल्कुल मकान उप्परा छत बिल्कुल त्रुट्टा जिन्नी बरखा पड़दी पूरा पानी अंदर बुरी हालत केह् करचै जी राती बारिश होंदी तूफान औंदा अस बाहर ही जानियां राती सेई नहीं सकदा पता नहीं कोह्के ने मकान गिरी जाना नहीं थल्लै बहुत बुरी हालत है सारा पूरा पानी अंदर औंदा पूरा सिज्जी जंदा कमरे पूरे सिज्जी जंदी एह् पता नहीं कोह्का लटे जाना तूफान औंदा जेल्लै पता नहीं इ'यां झूटे लगदे मकानें पूरे छत्त टुट्टा दा आपूं दियां कंधां बिजलियां पता नहीं कोह्का लटे जानियां न